मैं रविंद्र पिछले 15 साल से ड्रामा इन एजुकेशन में काम कर रहा हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हजारों बच्चों के साथ मैंने काम किया है। और एक घुटन जो मेरे अंदर थी, मैं जब बचपन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, बड़े बड़े मंचों पर जाता था तो मेरी टांगें कांपती थी, तो मैंने ये महसूस किया कि ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे आसपास हैं जो डरते हैं। तो मेरे जीवन का एक ही मिशन बन गया और वो मिशन ये है कि मैं ऐसा क्या करूं कि बच्चे खुल जाएं, बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएं, बच्चे अपनी बात रख पाएं, बच्चे खुद से कुछ क्रिएट कर पाएं। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे जीवन में ऐसे मौके मिले। मैंने थिएटर ज्वाइन किया। जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया उसके बाद मुझे लगा कि ये तो एक कमाल की चीज़ है और जो अनुभव मैंने खुद से अपने अंदर फील किए, उन अनुभवों को जब मैं बच्चों के साथ काम कर रहा था तब मैंने उनके अंदर भी फील किया। तो ड्रामा इन एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय है जिस पर हम थ्योरेटिकली बहुत सारी बातें करें उसकी बजाय क्या हम कुछ करके देख सकते हैं क्या? यदि हम कुछ करके देखें तो शायद ज़्यादा हम रियलाइज कर पाएंगे। तो कुछ करके देखने के लिए मुझे हमारी टीम में से कोई 5-6 बच्चे चाहिए। हम एक खेल खेलने वाले हैं और खेल ये है कि मैं आप लोगों से कहूंगा कोई एक शब्द, ठीक है, उस शब्द को मेरे 5 गिनने तक आपको बना देना है। आप लोग तैयार हैं? ओके, तो आपका शब्द है पेड़। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो हमें चाहिए एक झोपड़ी। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो हमें चाहिए एक कुआ। 1, 2, 3, 4, 5। भाई इस बार तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला 1, 2, 3, 4, 5 बार। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। ये जो कुआ बना है, इस कुएं से मुझे कहानी याद आती है। कहानी ये है, हम इस खेल को आगे बढ़ाएं क्या? बढ़ाएं, ठीक है। तो अभी टास्क ये है कि जो कहानी मैं बोल रहा होऊंगा उसको क्रिएट करने की कोशिश करनी है केवल, है ना। और जब ये क्रिएट होने लग जाए, आपको लगे कि वो सीन बन रहा है, तो आप लोगों को ताली बजानी है, राइट? क्या आप लोग हमारे साथ हैं? गुड। तो एक बार क्या हुआ कि एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर थे, पेड़ थे, और उस जंगल में एक शेर था। शेर बहुत खतरनाक था। शेर जो भी जानवर होते उनको खा जाता था। एक बार क्या हुआ, सभी जानवरों ने सोचा कि क्यों ना हम एक काम करें कि शेर के साथ कोई मीटिंग रखें क्या। तो जब उन्होंने मीटिंग रखी तो शेर से ये कहा कि भाई तू हमें ऐसे खाता है, क्यों ना उसकी बजाय हम कोई सिस्टम बना लें कि हम में से कोई भी एक रोज आएगा और आप उसको खा जाना। तो हुआ ये कि शेर ने कहा ठीक है, लेकिन उसी वक्त उस जंगल के बहुत स्मार्ट खरगोश के दिमाग में एक आइडिया आया। और वो आइडिया ये था कि क्यों ना इस शेर को कहा जाए कि इस जंगल में एक और शेर है। वो एक और जो शेर है वो आपसे भी ज्यादा खतरनाक है। शेर ने कहा अच्छा ऐसा, क्या तुम मुझे दिखाएंगे, क्या तुम मुझे दिखाओगे वो शेर कहाँ है? तो खरगोश ने बताया कि वो जो दूर एक कुआ है, उस कुएं के अंदर वो दूसरा वाला शेर रहता है। जब वो दूसरे वाले शेर को दिखाने के लिए खरगोश उसको लेके गया तो शेर ने देखा कि कुएं के अंदर उसकी परछाई है, जिसे देखकर उसे लगा कि एक दूसरा शेर है, और उस शेर पे हमला करने के लिए वो धड़ाम से अंदर कूद गया। और इस तरह से खरगोश ने अपने स्मार्टनेस से एक खतरनाक शेर का खात्मा किया। इन बच्चों के लिए आप क्लैप कर सकते हैं। अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर ये कहां मिल पाते हैं? हम बच्चों को इस तरह के अवसर दे पाते हैं जहां बच्चे आए और जो बोला जाए उसको कर दिखाए।
ऐसे अवसर जिसमें बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, ऐसे अवसर जिसमें बच्चे अपने सीखे हुए को छोड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए जो कुछ भी सीखा है बच्चा शेर बने, अपने आप को थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है इसके लिए। ड्रामा इन एजुकेशन इस बात के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग एक तरीका है, जिस तरीके से हम बच्चों को ये सब चीजें सिखा सकते हैं। जो बच्चा ड्रामा में एक बार अपने आप को परफॉर्म करता है, उसके बाद वही बच्चा आपको एंकरिंग में नजर आएगा, वही बच्चा आपको खेलों में नजर आएगा, वही बच्चा सब जगह नजर आएगा। ये मैं अपने अपने अनुभवों से कह रहा हूं। जब मैंने अपने अनुभवों से लोगों के सामने बात रखनी शुरू करी तो लोगों ने इस बात को मानने से मना किया, मना इस सेंस में किया कि हाँ हाँ होता तो है, ड्रामा में कुछ होता है। तो फिर मैंने इस पर रिसर्च भी किया और मैंने दो ग्रुप बनाए, जिनमें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और दूसरा कंट्रोल ग्रुप था। जब मैंने काम किया तो मुझे साफ साफ तौर पर नजर आया कि जिन बच्चों के साथ ड्रामा किया गया वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं खुद को, वो बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई में क्यों बहुत अच्छे हो सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये स्किल होती है कि वो बहुत सारी चीजें याद करते हैं, जिसको कि हम आगे देखेंगे। तो मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, जब मैं छोटा था और बहुत सारी बातें मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने जीवन में खुद के वजूद को ढूंढ रहा था, वो वजूद, वो अस्मिता, वो पहचान, वो अस्तित्व मुझे ड्रामा ने दिया। जब मैंने अपने आप को देखा, महसूस किया, तो फिर मुझे लगा कि ये बच्चों के साथ जाना चाहिए। जब बच्चों के साथ काम किया उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए, हमें शिक्षकों के साथ भी काम करना चाहिए। क्यों कोई क्लासरूम इतने नीरस हो जाए? हम चाहते हैं कि टीचर्स भी बच्चों के साथ काम करें और क्लासें बहुत 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 अच्छी हो, जहां पर हंसी और खुशी का माहौल हो। जब हमने एक नाटक करवाया नमक का दरोगा, इस कहानी में हुआ ये कि प्रेमचंद जी ने एक बहुत सुंदर कहानी लिखी है, उसमें जो नमक का दरोगा है उसको अपनी ईमानदारी के कारण, अपने वैल्यूज के कारण नौकरी को छोड़ना पड़ता है। तो जब ये नाटक करवा दिया, उसके बहुत समय बाद मेरे एक शिक्षक मित्र थे, उन्होंने आके कहा कि यार रविंद्र जी, आपने तो ये नाटक करवाया, ठीक है, नाटक तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस कहानी में क्या है ऐसा? ये तो जो उसका नायक था उसको तो नौकरी तक खोनी पड़ी, ये है इस कहानी में? तो मैं चुप रहा। मैंने कहा अभी देखते हैं, और मैंने शीतल को बुलाया जो इस कहानी को लीड कर रही थी। मैंने शीतल से बोला कि बेटा सर ऐसा कह रहे हैं, आपके पास कोई जवाब है क्या? शीतल ने जो जवाब दिया वो मेरे लिए बहुत ही जादू भरा था। जानते क्यों? क्योंकि शीतल ने इन वैल्यूज को जिया था। वो केवल इस नाटक को नहीं कर रही थी, वो इस नाटक को जी रही थी, इस कैरेक्टर को जी रही थी। जब बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में होते हैं तो फिर वो बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं अपने आसपास की चीजों के लिए, और सभी घटनाएं जो उनके साथ, काल्पनिक घटनाएं जब घटा रहे होते हैं हम, तो वो अलग अलग परिस्थितियों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, और ये दृष्टिकोण उनके जीवन को विकसित करते हैं। बच्चे जब बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं तो समाज की बहुत सारी हायरार्की जो है उसको समझ रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि कोई बड़ा किसी छोटे के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, और वो जो व्यवहार हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कौन पीड़ित है, कौन पीड़ा दे रहा है। ये सब जो बातें हो रही है, ये सब जो बातें चल रही है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात इस संदर्भ में भी है कि बच्चे जब इन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब वो आगे अपने जीवन में जो घटनाएं घटने वाली है उनके लिए तैयारी हो रही होती है। वो अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं आने वाले जीवन में वो किस तरह से लड़ेंगे, किस तरह से संघर्ष करेंगे। हम सामान्य तौर पर क्या करते हैं कि बच्चों को ना तो उनके प्रॉपर जो खेल हैं उन पर हम ध्यान देते हैं, नहीं, हमारी समस्या यह है कि बच्चे अपने जो सामान्य अंग संचालन है उनको नहीं करने देते। आप सोचिए कि एक छोटा बच्चा है, जब शैशव अवस्था में होता है, तो जब वो बड़ा हो रहा होता है तब हम उसको बोलना सिखाते हैं। हम कहते हैं अले ले ले बेचा, बोलो पापा, बोलो पापा, और बच्चा बोलता है पा, तब हम कितना खुश होते हैं। और वही बच्चा जब लैंग्वेज सीख जाता है
और वो जब बोलने लग जाता है, अब वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, उस वक्त हम क्या करते हैं? क्या आप लोग जानना चाहते हैं उस वक्त हम क्या करते हैं उनके साथ? सोचिए कि आप सभी लोग मुझे बहुत कुछ कहना चाहते हैं कि शिक्षा में ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे अपने अंगों का भी संचालन करें, बच्चे मनोरंजक खेल खेलें। बच्चों को जब हम कहते हैं कि अलग अलग चीजों को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कल्पना शक्ति है आपकी, तो बच्चे एक छोटा से डंडे को यहां डाल करके और दौड़ते हैं, वो डंडा उनके लिए एक गाड़ी होता है। अगर आप देखेंगे कि सामान्य रूप से अगर मैं कहूं कि एक चूड़ी है, अगर मैं बच्चों को कहता हूं कि बेटा ये चूड़ी नहीं है, तुम और कुछ बताओ कि ये क्या है, तो बच्चे कहते हैं कि सर ये तो कान में पहनने का कुछ है, बच्चे कहते हैं सर ये सिर पे रखने का इढ़ोनी है, बच्चे इसको पहिए की तरह लुढ़का देते हैं। और मैंने देखा कि कुछ बच्चे इसको लेंस की तरह भी यूज करते हैं। इस लेंस से जब बच्चे दुनिया को देखते हैं तो एक अलग दृष्टिकोण होता है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है आप सभी से कि शिक्षा में नाट्य कला को बहुत तवज्जो दिए जाने की जरूरत है, बच्चों के अंग संचालन को बहुत ज्यादा तवज्जो दिए जाने की जरूरत है, बच्चों को नाटकीय खेल कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बच्चों को वो सभी अवसर देने की जरूरत है जब वो समाज के उन रिलेशनशिप को समझ पाए जिनकी कि हम प्रैक्टिस कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। बच्चे जब एक समूह में होते हैं और हम उनको एक टास्क देते हैं कि बेटा एक नाटक बनाओ, तो उसके नाटकों के बहुत सारे आयाम बच्चों के पास होते हैं। कभी तो बच्चे वो नाटक लेके आते हैं जो उनके पाठ्यक्रम में है, कभी तो बच्चे दूसरे नाटक लेके आते हैं जो उन्होंने अपने माँ बाप से सुने हैं, लेकिन हम एक बात पे कभी ध्यान नहीं देते, और वो बात यह है कि उन बच्चों के जीवन में भी कुछ संघर्ष होते हैं। क्या वो संघर्ष नाटक में आ सकते हैं? क्या हम उनके लिए सोचते हैं? क्या हमने कभी ध्यान दिया कि इस समय बच्चा क्या संघर्ष कर रहा है? यदि हम उनको अवसर दें, यदि हम उनको जगह दें, यदि हम उनको स्टेज दें, यदि हम उनको सुने, उनके डायलॉग्स को सुने, तो फिर उनके खुद के जीवन के, उनके खुद के आसपास की जो घटनाएं घटित हो रही है वो भी स्टेज पर आराम से आ सकती है, लेकिन जरूरत है उनको अवसर देने की। तो मैं आप सबसे यही आशा करता हूं कि बच्चों को खूब सारा अवसर आप लोग देंगे, वो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ पाएंगे, वो अपने आप को सरेंडर करके किसी और कैरेक्टर को जी पाएंगे। यदि एक बच्चा अपने पिता का रोल करता है तो उसको समझ में आता है कि मेरे पिता की मजबूरी क्या है, यदि एक बच्चा माँ का रोल करता है तो उसको समझ में आता है कि मेरी माँ की मजबूरी क्या है। तो जब हम एक दूसरे के कैरेक्टर को समझते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर सिंपैथी होती है, एम्पैथी होती है, तब कहीं जाके हम जीवन को खूबसूरत बना पाते हैं। एक अच्छा इंसान जो पूरी दुनिया को अच्छे से देखे, अच्छे से जिए, ये जीना नाटक सिखाता है। शिक्षा में रंगमंच हम सबको एक अवसर की तरह देखना चाहिए जहां हम बहुत सारी चीजों को ला सकते हैं। इस वाले फोटो में आप देखिए, ये जो बच्चे बना के लाए हैं ये आसपास की चीजें ही हैं। यदि कोई कहे कि हमारे पास सामान नहीं है, साधन नहीं है, तो मैं कहता हूं कि क्यों, अभी यहीं पर तो कुआं बन गया था, यहीं पर तो जंगल बन गया था, यहां पर तो पेड़ बन गए थे, यहां पर क्या नहीं बन सकता? बच्चे कितने क्रिएटिव हैं, और हम क्यों नहीं उनको मौका देते, हम क्यों नहीं उनको खेलने देते, और हम क्या उनको ये सिखा सकते हैं कि सीखते कैसे हैं? यदि हम ये कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप सबका आभार, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।